इतिहास रचने में भारत सिर्फ कुछ कदम की दूरी पर ही रहा है, लेकिन पहली बार में भी उस पॉइंट तक पहुंचना वाकई अपने आप में एक इतिहास साबित हुआ है। आपने सही पहचाना, हम बात कर रहे हैं चंद्रयान 2 की। भारत एक पहला ऐसा देश बना है जिसने पहले ही अटेम्प्ट में चांद की सतह तक पहुंचने में लगभग 95% प्रोसेस पूरा कर लिया था, लेकिन आखिरी के वो 15 मिनट सबसे चुनौतीपूर्ण थे और वही 15 मिनट सबके लिए भारी पड़ गए और भारत का चांद पर जाने का सपना अधूरा सा रह गया। जी हाँ, विक्रम लैंडिंग के आखिरी 15 मिनट में ये गड़बड़ी तब शुरू हुई जब विक्रम लैंडर चांद की सतह से मात्र 2.1 किलोमीटर ऊपर था और फिर अचानक से विक्रम लैंडर का ऑर्बिटर से संपर्क टूट गया, जिसके बाद सभी की सांसें रुक गई। लेकिन सबसे खास बात ये है कि इसरो के वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी और अब इस बात की जांच कर रहे हैं कि विक्रम लैंडर की लैंडिंग में गड़बड़ी कहां हुई, कैसे हुई और क्यों हुई। इसके लिए इसरो के वैज्ञानिकों ने लंबा चौड़ा डाटा खंगालना शुरू कर दिया है। इसरो के वैज्ञानिक इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए विक्रम लैंडर के टेलीमेट्रिक डाटा, सिग्नल, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, लिक्विड इंजन का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। साथ ही विक्रम लैंडर जब चांद की सतह पर उतरने की कोशिश कर रहा था तो उसके सेंसर ने कई डाटा कमांड सेंटर में भेजे हैं। इसमें चांद की सतह की तस्वीर समेत कई दूसरे डाटा शामिल है जिस पर अब इसरो की टीम काम कर रही है और संपर्क करने की कोशिश जारी है। हालांकि आपको ये भी बता दे कि 95% जो ऑर्बिटर है वो बिल्कुल सही ढंग से काम कर रहा है और चंद्रमा की सतह पर एक साल तक घूमता रहेगा और वहाँ की गतिविधियों के बारे में सूचना भेजता रहेगा। लेकिन इसी बीच इसरो के वैज्ञानिक विक्रम लैंडर का ऑर्बिटर से संपर्क बनाने की कोशिश जारी रहेगी। नेशन वन के लिए प्रियंका मलिक की रिपोर्ट। नेशन वन की खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन करें www.nationone.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन वन के साथ।